हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ब्लॉग। आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव। चलिए दिखा रही हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। मटर पुलाव के लिए चाहिए मटर, छिले हुए हरा मटर, साबुत मसाले लिए हैं कुछ, तेज़पत्ता, जीरा। कुकर को गरम करेंगे। चावल लिए हैं, तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, साबुत, खड़ा मसाला, जीरा। तेज़पत्ता थोड़ा सा ब्राउन भून लेंगे, उसके बाद मटर को डालेंगे। मटर डाल दिया, अब चावल डाल देंगे। मटर और चावल डाल दिए, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। बस अब चला के पानी डाल देंगे। चला दिए हैं, अब इसमें पानी डाल लेते हैं और उसके बाद सीटी लगा देंगे। पानी डाल दिया, अब सीटी लगा देते हैं, ये पुलाव रेडी हो जाएगा। चलिए रेडी होने वाला है एक सीटी में, चलिए सीटी लगा देते हैं। पुलाव रेडी हो चुका है, मटर पुलाव। पुलाव हमारा रेडी है, कैसा लगा रेसिपी? एक तरफ मैं सब्जी भी बनाऊंगी, सब्जी और पुलाव, आलू गोभी मटर की सब्जी और पुलाव, बहुत ही टेस्टी लगता है। खिले खिले, कितने खिले खिले हैं मटर पुलाव। टमाटर को फ्राई कर लेते हैं सॉफ्ट होने तक। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, अब मसाले लिए हैं, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक को डाल देते हैं। थोड़ा पानी डाल के मसाले को भूनेंगे। मसाले को अच्छे से भून के तब सब्जी को डालेंगे। मसाले भून चुके हैं, अब इसमें डाल देते हैं आलू मटर, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गोभी भी डाल देते हैं, अब अच्छे से मिक्स करके चला के पानी डाल देंगे। मसाले को मिक्स कर दिए हैं, अब पानी डाल के पका लेंगे 2 मिनट। आलू जब हो जाएगा तो सब्जी रेडी हो चुका है, हमारा पुलाव सब्जी रेडी हो चुका है। चलो मिलता है थोड़ी देर में। चलिए अब पका लेंगे 2 मिनट। मैंने आटा भी गूंथ लिया पराठे के लिए, चलिए पराठे भी शेयर करती हूँ आपके साथ कैसे बना रही हूँ। सब्जी भी रेडी हो चुकी है, थोड़ी और हो जाए तो उतार देंगे। चलिए हमने बेल लिया, अब इसे ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के हमने बीच से कट कर दिया। मैं आपको पराठा सिखा रही हूँ, देखिए अब इस पर ऐसे करके तेल लगाएंगे, घुमा के फिर मैं ऐसे कर रही हूँ, फिर ऐसे। ये हमारा पराठा, अब इसे बेल लेते हैं। हो चुके हैं, देखिए बना लिए हैं, सेक लेते हैं तेल लगा के। तेल लगा दिया है पराठे, ये भी रेडी हो चुके हैं, लेयर वाले पराठे हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए लेयर वाले पराठे कितने अच्छे से लेयर निकल रहे हैं ना, ऐसे ही बना कर अभी ट्राई करें। चलिए इसे उतार लेते हैं, ऐसे ही सभी बना लेंगे। रोटी बेल दिया है, बीच से ऐसे कट कर लेंगे
ऐसे करेंगे। ऐसे करके लेयर पराठा ऐसे ही बनेगा। चलिए बना लेते हैं बेल के लेयर पराठा। देखिए कितने लेयर में हुआ है ना, तीन लेयर। अभी रेडी हो चुका है। अभी चलिए दो चार पराठे और बना के तब दिखाती हूँ। देखिए गाइस हमारा सब्जी भी रेडी हो चुका है। पराठे भी रेडी हो चुका है। चलिए आज की रेसिपी के लिए बस इतना ही। कैसी लगी रेसिपी बताइएगा कमेंट में। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।